देता है कि ऑफिस आदमी लोग नहीं मिलता है बोल के, इसलिए हम आज आया है चेक करने के लिए। ये हमारा सीनियर सिटीजन है लिखक सरा, थोड़ा कान का थोड़ा से प्रॉब्लम है आज, ठीक है, आजकल सुनाई देता है, पब्लिक लीडर भी है ये। एक समय ईटानगर का सबसे धनी आदमी का घर का बाहर में प्लेट रख के तमुल बेचता था, आज ये करोड़पति है। तो लेकिन उस समय में ये शादी करने के लिए ना मेरा मोटरसाइकिल से हम लोग बस्ती में गए 1986-87 में। आओ इधर, करोड़पति एकदम लाइव हो रहा है मालूम है। अकाली आप देखो आज पब्लिक का ये कंप्लेन आते रहता है कि यहाँ टाइम में ऑफिस आदमी लोग आने से नहीं मिलता है, वो एक बात बोला है। दूसरा कुछ और एक बात है, तो आज हम लोग आया है अकाली सत्ता, मेरा दोस्त है अभी तो मिल गया, अभी तो अभी आया तो ठीक है। अरे डॉक्टर साहब कैसे? ठीक है, हमारे पब्लिक लोग बोलते हैं ऑफिस में आने से बंद हो जाता है बोला। हाँ वही, इसलिए आपके लिए तो इसलिए अभी बनाएगा। तो डीटीओ साहब इसका ये लाइसेंस क्या रिन्यू करेगा, तो इसे कैसे वर्क करता है? इसको रिन्यूअल इसका आपका एक्सपायरी 6 को हो गया, अब एक साल तो नहीं हुआ आपका, नहीं हुआ है। हाँ तो एक साल नहीं हुआ तो आपको चलान 400 कटना पड़ेगा, आज तो मेडिकल फिटनेस बनाना पड़ेगा, और प्रेजेंट आपका आधार कार्ड देख लेने से ये आपका अपडेट हो जाएगा। जो यहाँ जो हमारा जो वीडियो देख रहा है हमारा ये डीटीओ साहब बोल रहे हैं कि ये 6 महीना में एक्सपायर हो गया, 6 में एक्सपायर हो गया, 6 में। तो आज तो 12 हो गया, जितना भी गाड़ी चलाता है और ड्राइविंग लाइसेंस तो सभी का पास होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो हमारा दोस्त जो है वो 6 महीना लेट हो गया, तो आप लोग हमेशा अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमारा जो भी रिन्यू करता है टाइमली उसको करना चाहिए, नहीं है क्या? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी चलाता है तो आपका गाड़ी में ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा चेक करना है। अब तो हमेशा कुछ चलाता है, देखो फाइन भी दिया होगा, नहीं दिया? कभी कभी देता है, कभी कभी देता है, नियम में पकड़ गया तो क्या करेगा, गलती होने से तो फाइन तो भरना पड़ेगा, तो ये इसलिए गलती नहीं करना है। ये जो भी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है अभी चलन 200 का चलन वो नॉर्मल है, नॉर्मल एक साल होने से फाइन होगा, एक साल एक्सपायर होने से इसका लर्नर लाइसेंस लेना है, डायरेक्ट रिन्यू नहीं होगा। तो डेंजरस बात हो गया, तो लर्नर लाइसेंस उसका बाद फिर आपका 6 महीना का वैलिडिटी होगा, 1 महीने के बाद ही इसको रेगुलराइज कर सकते हैं। बच गया ये मेरा दोस्त, बच गया नहीं क्या? बच गया, तो काली होगा तब तो काल हो जाए। तो आप चलन अभी काम ही भराता है, चलन फॉर्म इधर मिलेगा, चलन फॉर्म लेके आ जाओ ना। तो अभी हम लोग अंदर घुस के देखता है ये क्या है। सरसी आलोक है, ड्राइविंग लाइसेंस आलोक है, अच्छा ये ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन है सर जी, ड्राइविंग लाइसेंस नूतन आल हुआ है जो नया आता है, इधर में देख के फोटो खींचना है, लर्नर लाइसेंस ये कैमरा है, ये डिजिटल सिग्नेचर, इसका पेन का है,
जो जो नया फर्स्ट इनिशियल आपका लर्नर लाइसेंस बना है उसका बिना नहीं होगा, लर्नर लाइसेंस 6 मंथ का होगा, तो उसके बाद आफ्टर 1 मंथ देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन दी ड्राइविंग टेस्ट फॉर रेगुलर लाइसेंस। सिग्नेचर पे साइन करेंगे वैसे कि मेरा डिजिटल सिग्नेचर। तो अभी देख सकता है अभी वैसे इसलिए अभी ड्राइविंग लाइसेंस जो इधर आना ही पड़ेगा हमारा घर में अभी देख सकता है अभी भी स्टार लोग है और लिंग लोग कभी कभी शिकायत देता है सर मॉर्निंग में थोड़ा लेट होता है 9-10 बजे तो पहुंच जाते हैं लेकिन इवनिंग तो 6-7 बजे तक देते हैं क्योंकि चलान जो है डिपॉजिट करके उन लोग आने में 1-2 बज जाते हैं। मॉर्निंग आवर्स तो जितना है वो चलान बैंक में डिपॉजिट करके जब चलान आएगा तब हमारा काम शुरू होता है। फिर भी टाइमली आए तो क्या कर सकते हैं ना। ठीक है नेक्स्ट है। उसका बाद ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट SRP का होता है। कौन सा वाला है ये वाला हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट इसको उसको ऑफिस स्कूल के देखो। नहीं सर ये ऑफिस नहीं है ये ऊपर उसका साथ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने एग्रीमेंट किया था वो भी ये नहीं है अभी मतलब डीलर पॉइंट में आपका SRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन डीलर पॉइंट ही रहता है अभी यहाँ में कुछ नहीं इधर भी है लेकिन ये पूर्णा वाला को चल रहा है आप सब देख सकते हैं पूर्णा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्हीकल है ना पूर्णा वाला उसका रिप्लेसमेंट ये सब ऑलरेडी पहले जो दे चुके हैं नया वाला लोग नहीं कर सकते है नया वाला को डीलर से दे रहा ये उसका प्राइवेट है ये पूरा बना के अभी लोग आ रहा है आता है नहीं आता है ये रिफ्रेशमेंट वगैरह जो पूर्णा मेरे BS4 है ना वो सब अभी यहाँ पे होता है सर। नया का तो पूरा डीलर कंसर्न ही देता है BS6 है सब ना सर BS6 लोग BS6 जितने वो डीलर डीलर कंसर्न डीलर टाटा का टाटा देगा और हुंडई का हुंडई महिंद्रा का महिंद्रा डीलर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है इधर तो चार्जेस होता है उधर चार्ज नहीं होता। अच्छा 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 क्या नींद आता है इसमें ऐसे तो नहीं एक हफ्ता आता है सर एक हफ्ता आता है IAS कितना आता है IAS या मैं मेरा काउंटर में सर 15 तो ऐसे आते हैं। पब्लिक तो कंप्लेन देता है कि आप लोग जल्दी चला जाता है बोल के इसलिए आज हम आए हैं सर जल्दी हम लोग कहाँ जाते इतना लेट में हमेशा आप क्या कर रहे हैं सर हम कॉरेस्पॉन्डेंट काम करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट में LLG का रजिस्ट्रेशन ऑफिस का काम ऑफिस में ऑफिस लेटर वगैरह रिप्लाई कोर्ट का RTI का उसका रिप्लाई वगैरह ये सब। आप छुट्टी होने जा रहे नहीं छुट्टी नहीं है आप क्या देखता है सर ओनरशिप चेंज लोग को देखते हैं ओनरशिप चेंज लोग ना
नया भी तो भरता है, नया भी करते हैं। कितना कितना केस आता है ऐसे दिन में? सर दिन में आता है कभी कभी 30-40। अच्छा, आदमी आते हैं। एवरेज एवरेज तो आता ही सर, 30 आता ही सर। कभी कभी कम आता है, कभी कभी कम आता है। नेट का प्रॉब्लम होता है इसलिए कभी भी। ये सब रिकॉर्ड को ना एक बार झारो आप लोग ना, बीच बीच में ये 10 है तो बीच बीच में जाते रहो। सर ये हम लोग का तो बहुत अच्छा हो गया। एक्चुअली कितना साल से ये लोग DTO ऑफिस जो है बारागढ़ में था, हम DC ऑफिस भी किसी का ऑफिस में बैठा हुआ है, अभी कोशिश कर रहा है कि DC ऑफिस भी बन जाए। तो ये बारागढ़ में आप लोग का बहुत साल था, तो अभी यहाँ में लेके आ गया है। बहुत देख के अच्छा लगा कि ये काम अच्छा से चल रहा है। काम करने का एक सुविधा चाहिए, सिर्फ ये 10 रेस्ट है। इसको हम लोग जब इंटर आते हैं ये बिल्डिंग पूरा रखने का लायक नहीं था, ग्रिल जितना है वो पूरा लगाया, फिर ये पेंटिंग भी किया है। उसके बाद इसमें दो दो काउंटर था, चौथा था, तो बीच वाला को हम लोग तोड़ के ये थोड़ा स्पेस निकाल के छह दो काउंटर बनाया। बहुत अच्छा किया, ठीक है। ये भी सारा फेंसिंग हम लोग बगान पर रखे, गर्म जगह है। अच्छा, घास लगा, घास भी लगा दे थोड़ा जल्दी उठने वाला घास लगाना चाहिए जल्दी। ये हम नमसा से लेके आए। अच्छा, क्या घास है ये? ये उसको पोंगा मिया बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, तो उसका सीड वगैरह ये भी थोड़ा मेडिसिनल वैल्यू, इसलिए हम इसे जल्दी ग्रोथ होता है ऐसा शेड के लिए उसमें। जो भी हो सबको नमस्कार।